भी गलत जगह होली है। राधे 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 राधे। तो आज हम आ गए हैं वृंदावन इस साल की होली साक्षात बांके बिहारी जी के पास सेलिब्रेट करने। सबसे पहले हम आए बांके बिहारी जी के मंदिर और घंटों की स्ट्रगल के बाद जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे तो वहां का नज़ारा कुछ इस तरह से था। पूरा मंदिर होली के रंगों में रंगीन था। विश्व भर के लोग बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए ताक लगाए खड़े थे। फिर हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए और निकल पड़े अपने होटल की ओर, क्योंकि कल हमने जाना था बरसाना की मशहूर लठमार होली देखने के लिए। नेक्स्ट डे वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्त आई ट्रेवलर्स। आज हम आए हुए हैं बरसाना और बरसाने की होली जो है पूरी दुनिया में मशहूर है और ये होली को ही देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। एक राधा माँ का गांव है जहाँ पर कृष्ण भगवान हर साल होली मिलाने यहाँ पर आते थे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी तो यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर और आगे है। तो हम जा रहे हैं अब बरसाना गांव। यहाँ से गाड़ी हमारी लग चुकी है 1-1.5 किलोमीटर पहले बैटरी से, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर पैदल। 1.5 किलोमीटर चलो जी, आप कहते हो 1.5 किलोमीटर कर लेते हैं। हम कहा एक पापा का तो नो तो नहीं लिया मैंने, एक बड़ा भारी सर नो लेके आऊँ मैं दिल्ली से बताऊँगा। सो रावत साहब आप जा रहे हैं होली खेलने? होली खेलने, लठमार होली। अच्छा, कौन से गांव में? राधे 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 बरसाने वाली बरसाना। बहुत बढ़िया, बरसाना जा रहे हैं। ओके हां जी, राधे का गांव है, राधा का गांव। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। वहाँ लठमार होली चल रही है अभी 4 बजे से। ओके, तो अभी हम इंजॉय करने जा रहे हैं, 4 बजे देखते हैं क्या प्रोग्राम है वहाँ। होली की शुरुआत हो गई है, हम अपने पूरे इंतजाम से हैं होली के लिए। रंग उड़ाओ भांग पूरी हमारे पास, अभी वहीं कहीं मैंगो शेक में मिलो, आगे पूछ जाएँ बनाने के लिए। और ये आइडिया मेरा नहीं, क्या मतलब है? और ये आइडिया मेरा नहीं है। हाँ, सबसे पहले निकाली है तुमने, ज़्यादा अपने आप को बन रही है। आज तो ये मेरी सासू माँ भी कह रही थी मैं अभी पीऊँगी भांग थोड़ी सी, आधा गिलास, इसलिए देखो ये बेस बना रही हैं पापड़ से। ठीक है जी, फिर कितने, आधा गिलास, एक गिलास, हैं दो गिलास? पॉइंट से ओनन का ध्यान रखिए, थानू ओनन का। ठीक है जी, बरसाने से जस्ट पहले एक जगह पे बैरिकेटिंग हो रखी है, वहाँ से सिर्फ पैदल लोग अलाउड है। करीब करीब 1 किलोमीटर की वॉक है। बरसाना की वर्ल्ड फेमस लठमार होली। पौराणिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन कान्हा जी अपने मित्रों के साथ बरसाना आते थे और आज ही के दिन उन्होंने गोपियों के साथ इतना मजाक किया कि तंग आकर गोपियों ने मजाक के भाव में ही उन पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। तो तभी से यह परंपरा चली आ रही है। यहाँ की हर गली हर चौराहे पे आपको ये लठमार होली देखने को मिल जाएगी। अगर इस बारे में मुझे पूरी जानकारी होती तो उस भीड़ से मैं थोड़ी दूरी बनाकर रखता। ये लठमार होली है, ये लठमार होली है। लकड़ी के लड़ से कौन मारता है? लठमार होली है, मुझे
चार पाँच लाइट पड़ चुकी है और एक तो गलत जगह पे। अब मैं भागने की पूरी तैयारी प्रोग्राम बना लूँ कि मेरे भागने में दिक्कत ना है। अरे भाई पीछे बढ़ रही हो ना, लकड़ी मारी है बड़ी तेज। अरे बगी मेरे पीछे आदमी लड़की बन के घूम रहे हैं, ये क्या चीटिंग है। चारों तरफ उड़ते गुलाल, कहीं लाइव भजन तो कहीं लाइव ढोल। ट्रस्ट मी गाइस, अगर किसी को असली होली एक्सपीरियंस करनी है तो यहाँ की लठ मार होली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। आदमी कौन है, मेरे साथ तो नहीं आए थे ये। जगह जगह पर इस जैसे डीजे लगे हुए हैं डांस के लिए। ये यहाँ का श्री बरसाना धाम है और कीर्ति मंदिर नाम से मशहूर है। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि होली चल रही है। बिल्कुल गोरे चिट्टे आए थे, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। मेरा बुढ़ापा, मेरे बीवी का बुढ़ापा, ऐसे रहे। ये हो रहा है देखो, ये नशेड़ी औरत ये जुगाड़ कर रही है। ये भांग मिलाएगी इस दूध की बोतल के अंदर और यहाँ पर ही भांग पी के सेटल होगी पूरी अपनी। होगी 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 होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं, बस बस बहुत है। ये ओरिजिनल भांग है क्या हमारे यहाँ नकली होली, असली होली है ये। मक्खन का तरबूज दे दे भाई एक। ऐसी होली पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लाख कोशिश करने के बाद भी हम बरसाना के मंदिर नहीं पहुंच पाए क्योंकि भीड़ ही इतनी थी। फिर हमने सोचा कि आज तो पूरा बरसाना ही मंदिर है, यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि कहीं भी एंजॉय कर लो। इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की समाप्ति। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे। ये गेट देख रहे हो पीछे, इसके पीछे का सीन तो देख ही लिया, जहाँ से शुरुआत है वहाँ कोई होली का नामो निशान नहीं है और इसको पार करते ही सिर्फ हमारे जैसे हैं कोई साफ सुथरा नहीं रह सकता उसके बाद।